गाइस फाइनली वी आर इन उत्तराखंड राइट नाउ। और अभी मतलब अभी कौन सी जगह थी वो, चुदई। अभी मतलब इससे पहले क्या कहते हैं, चुदई एक जगह थी, उसको वो पीछे छूटा। अब हम सेल्डी में हैं और पीछे का व्यू आप लोग देख सकते हो। बाकी करण मेरे साथ है। करण कैसा फील हो रहा भाई? मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीट पहुँच गए भाई, लंबी भाई। इस बंदे ने एक घंटे बोला कि कोटद्वार से बोला एक घंटे का रास्ता है, एक घंटे का रास्ता बोल के बंदे ने कम से कम दो तीन घंटे ले लिए। पर वर्थ इट था, हाँ मजा आ गया। पहले ड्राइवर को आज का ब्रेकफास्ट डे वन। और ब्रेकफास्ट में हमें क्या कहते हैं, क्या मिला है करण? आलू के पराठे नहीं, दाल की पूड़ी है। अच्छा, आलू के पराठे और चाय, कटहल का अचार। थैंक यू आर्यन फ्री का खिलाने के लिए। भाई ट्रिप पे क्या कहते हैं, एक तो खाने पीने का पैसा और क्या, और एक रहने का पैसा बच गया हमारा। चलो भाई पहले नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं अब आगे का। सो गाइस फाइनली नाश्ता वगैरह कर लिया हमने। बुआ ने आलू के पराठे और कटहल का अचार और चाय वगैरह लाई। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे नियर बाय कोई तालाब वगैरह है तो देख रहे हैं, वहीं पे फ्रेश वगैरह होने के लिए जाएंगे, वहीं पे नहाएंगे धोएंगे। दिखाता हूँ आप लोगों को भी। बाकी अभी जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ कैसी वो जगह। सो गाइस दिस इज द प्लेस वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ। ये आर्यन की बुआ का घर है। This is a beautiful place. छोटे छोटे क्यूट क्यूट से घर बने हुए। चले किधर से चलना, इधर से शूट करो, शूट करो। तो गाइस फाइनली जा रहे हैं हम लोग अब नहाने के लिए। नियर बाय क्या कहते हैं कोई तालाब वगैरह है, और एकदम गांव वाली फीलिंग आ रही है, एकदम जैसे गांव वगैरह में होता है ना वैसे ही। खुशबू आ रही है असली गोबर की, मस्त है ना। इसके तो उपले बनते होंगे ना। चलो भाई तुम्हें एक खूबसूरत चीज दिखाता हूँ अपने पीछे। बच गया भाई, ये कंडाली है। बच गया साला। अभी अगर गिरता तो नीचे जाता ना, बच गया लेकिन गिरा नहीं। सो उत्तराखंड एट माय बैक साइड। धूप निकली हुई है तो क्या कहते हैं थोड़ी गर्मी लग रही है, लेकिन मजा आएगा नहाने में। आगे जाओ। भाई एक चीज़ है यहाँ पे कि ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा शांति है। अगर मैं दो मिनट चुप रहूँगा तो आपको क्या कहते हैं जो हनी बीज है और जो मक्खी वगैरह है ना, उनकी क्या कहते हैं बेसिकली हनी बीज की जो आवाज़ है वो आपको सुनने को मिलेगी, सुन सकते हो। जैसे कि आप ये देखो कितनी शांति यहाँ पे, ये साउंड देख लो कितना प्यारा साउंड है। और मैं थोड़ा नीचे देख के चल रहा हूँ क्योंकि रास्ते थोड़े, आपको पता ही है इधर के रास्ते कैसे, तो बहुत पतले रास्ते हैं। मैं आपको रास्ता वगैरह दिखाता हूँ, अगर मेरे पीछे रास्ते देखो कितने पतले रास्ते हैं। आवाज आ रही है, तो पानी की है। अरे यहाँ से क्या कहते हैं व्यू देख भाई। चलो मैं आप लोगों को अगर पीछे का एक बार फोन बैक करके पीछे का व्यू दिखाता हूँ, क्योंकि पीछे का व्यू देखो काफी अच्छा है। धूप निकली हुई है बट स्टिल क्या कहते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, काफी अच्छा व्यू है पीछे का।
सिटी जाना पड़ेगा क्या हमको? योजना का नाम विधायक। तो भाई दादी के सीट पुल वगैरह बने हुए ठीक है, और सामने का व्यू मतलब बहुत प्यारा व्यू है यार, आपको मन नहीं करेगा। और वो रहा झरने, यहाँ पे हमें जाना है नीचे नहाने के लिए। और अब यहाँ करण भी पुल, हालांकि ये चीज़ काफ़ी सही है भाई, काफ़ी मज़ा आता है। अबे नाओ तुम नाओ। हाँ तो करण भाई कैसा लगा आपको? सही लगा आपको? लग रहा है आपको वर्थित है? बिल्कुल। सही मज़ा आ रहा है भाई यहाँ पे। हैं तुम कच्चे में हो ना, तुम तो भी पूछ लो, फिर तुम बोलोगे कच्चे में क्यों डाल रहे हो। और यहाँ बुला रही हूँ आलू के पराठे भी कह गए थे पत गया। अब यहाँ से स्कूल थोड़ा भी एक दो घंटे यहाँ में चलेंगे। अरे अरे ओए भाई ये क्या है? अबे वो देख टैग वो देख। अरे मैया तू तो देख लियो। अरे भाई को मैंने एकदम एक एक नंबर चीज दिखा दी। क्या था? तो गाइस अभी हमने देखा वहां पे क्रैप था, क्रैप। अबे भाई वो कुछ नहीं करते यार। भाई के अभी अंडर गियर में घुस जाता है अभी। बच गया यार क्रैब वो। हाँ उससे क्या ही हो जाएगा? अबे साले क्रैब है वो। हाँ थोड़ी जाएगा तो इसको हम खा सकते। भाई पानी की क्लैरिटी देखो, कितनी पानी कितना साफ है देखो, कितना साफ पानी है। बात जाके लो ना नहीं गुजरा, वो पत्थर पे चल रहा है। मारो उसे। अबे पागल हो गया क्यों मार रहे हो? कुछ कर रहे हो तुम्हें? घुस गया वो अपने अंदर। अबे तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इतनी देर से बहुत सारी मछली दिख रही थी मेरे को। कहाँ है? अंदर चली गई भाई वो क्रैब अंदर। मेरा फोन भी वाटर प्रूफ है पता है। डाल के दिखाना। तुमने डाला अपना फोन? तो गाइस नाना दोनों हो चुका है पूरी तरीके से, और अब चल रहे हैं आर्यन के घर पे। अब यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे और फिर निकलेंगे आर्यन के अपने घर पे, मतलब दादा दादी वाले घर पे। अभी तो हम आर्यन के बुआ के घर पे हैं। बस अब चलते हैं यहाँ पे। काफ़ी ठंडा पानी था, काफ़ी मज़ा आ गया। और अभी बज रहा है 12 ठीक है, और धूप भी तेज़ हो रही है थोड़ी थोड़ी। भाई करण ऐसा लग रहा है ट्रैकिंग भी हो गई, स्विमिंग भी हो गई, नहाना दोनों भी हो गया। भाई बहुत मज़ा आया, पानी बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा पानी था, काफ़ी मज़े आए। स्टार्टिंग में क्या कहते हैं अंदर जाने में डर लग रहा था, और पानी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था इसीलिए। बट यू नो वन टाइम कि एक बार अगर आप चले गए तो उसके बाद नॉर्मल होता है। तो वैसे ही बस एक बार हम अंदर गए, उसके बाद हर चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। अब उसी रास्ते से वापस से घर जाते हुए बीच में थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि सुनसान जंगल था, पूरा जंगल टाइप का था। जंगल के बीच में एक छोटा सा वो था झील टाइप का, तो बीच में इस बात का डर लग रहा था कहीं से कोई शेर वगैरह या कोई बाघ वगैरह ना आ जाए, क्योंकि आसपास कोई था भी नहीं तो हेल्प कर सके। कुछ देर के बाद एक दो लोग दिखे तो थोड़ा सही सा लगा। और ये पीछे देख सकते हो, पीछे खाई। तो
डे वन का प्लान यही है गाइस कि जैसे कि स्टार्टिंग में मॉर्निंग में पहले हम कोटद्वार गए थे, कोटद्वार से फिर हम क्या कहते हैं यहाँ आर्यन के घर सिलहेड़ी या कोई जगह है, ठीक है मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेसिकली आर्यन के बुआ के घर आए। अब आर्यन के बुआ के घर जो आने के बाद हमने फिर मस्त ब्रेकफास्ट किया, आलू के पराठे, चाय और कटहल का अचार। थैंक्स टू बुआ जी फॉर दिस ब्रेकफास्ट। और अब बुआ जी ने खाना वगैरह बना रखा है तो बस अब नहा धो के इधर है, खाना वगैरह खाएंगे और अब यहाँ से दोबारा से बस लेंगे और बस लेके चलेंगे आर्यन के अपने घर। चलो आगे को थोड़ा सा बैक, थोड़ा सा आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। थक गया हूँ चल चल के, क्योंकि जाते वक्त रास्ता जो था वो ऐसे डाउन में था, नीचे की ओर जाने था, अब की बार चढ़ के ऊपर की तरफ आना है। डे थ्री का हमारा प्लान वहीं का है जहाँ पे मैं अभी आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, लेंस डाउन का। कल हम सीधा क्या कहते हैं आर्यन के घर से निकलेंगे तारकेश्वर मंदिर के लिए, ठीक है वहाँ पे मंदिर वगैरह के भगवान के दर्शन करेंगे। और डे थ्री फिर क्या कहते हैं लेंस डाउन जाएंगे, और लेंस डाउन जाके फिर क्या कहते हैं ऑलमोस्ट 1 बजे वहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि 3:30 बजे कोटद्वार से फिर हमारी ट्रेन है। तो यार देख सकते हो खड़ी चढ़ाई है, बहुत दिक्कत हो रही भाई चलने में सही में। और अब नींद भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि बस में हम पूरी रात सोए नहीं थे। चलो 5 मिनट और कैसे भी, एक बार फिर से देख लो पूरा व्यू, बहुत बढ़िया व्यू है यार। अगर धूप ना निकली होती ना तो और मज़ा आता, थोड़ी धूप निकल गई है, हालांकि अभी 12 बज रहे हैं लेकिन धूप निकल गई है, ऑलमोस्ट दिल्ली की तरह गर्मी लग रही है। बट पानी बहुत चिल्ड था यार, पानी बहुत ज़्यादा कह कहते ठंडा था, बहुत ज़्यादा ऐसा जैसे भाई हम अपने फ्रिज में पानी रखते हैं ना और फिर निकालते हैं एकदम चिल्ड वैसा। और ये रास्ता आपको गाँव जैसी फीलिंग दे रहा होगा, देखो जैसे गाँव वगैरह में हमारे घर होते हैं ना उस टाइप के। तो गाइस अब यहाँ से फाइनली जाने की तैयारी कर रहे हैं आर्यन, थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर रहा है क्या कहते हैं अपने घर के लिए सामने वाली दुकान से। धूप बहुत ज़्यादा हो रही, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा, टोटली अनएक्सपेक्टेड, इतना हमने सोचा नहीं था कि इतनी गर्मी होगी। तो चलो चलते हैं अब, ठीक है गाड़ी का वेट कर रहे हैं, जल्दी से क्या कहते थोड़ा खाना पीना लेके फिर चलते निकलते हैं। तो गाइस फाइनली हम आर्यन के घर पहुंच गए और आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं और अच्छा व्यू, आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, बहुत रिस्की रास्ता है यार ये, देखो ये ऐसा है भाई, भाई यहाँ तो पैर बहुत संभल के चलने पड़ेंगे यार, हमें तो लग ही राइडर भाई मुंह धोना कपड़े कपड़े। करण भाई ये चीनी पकड़ो यार, चीनी चीनी भारी है जो घुस जाऊंगा किसी और के घर में भाई।
चलो भाई फाइनली आज बहुत ट्रैकिंग की है, एक तो जब नहाने के लिए गए थे तब ट्रैकिंग की और एक अभी यहाँ पे ट्रैकिंग की। फाइनली बिल्कुल उत्तराखंड के उत्तराखंड में मतलब डीप कौन सी जगह आ रही है धांधली, सो वी आर इन धांधली। फाइनली आ चुके हैं मारिन के घर के अंदर और कुछ इस तरीके का दिखता है अंदर से घर। और ये फुल रात रात का प्रोग्राम वगैरह चिकन वगैरह तो कुछ इस तरीके का जो आप लोग बाहर से देखते हो ना, जो पहाड़ों के ऊपर आपको घर दिखते हैं और आपको लगता है कि कैसे रहे, तो भाई कुछ इस तरीके का रहता है घर। हालांकि क्या कहते हैं करण एक बार हाथ ऊपर करियो, पूरा हाथ ऊपर करके टच तो करते घर को, तो ये देख रहे हो इस टाइप से है। हालांकि क्या कहते हैं घर काफ़ी ठंडा है, ठीक है कूल है काफ़ी ज़्यादा। और रीज़न बीइंग क्या कहते हैं आज भी यहाँ पे क्या कहते हैं वो अरे नहीं इसको उसी से करते हैं ना गोबर हाथों से लिपाई करते हैं, गोबर के हाथों से लिपाई वगैरह करते हैं ना। और ये एक दूसरा घर भी है अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मतलब हाँ अटैच है। और ये बाहर का कुछ व्यू है, ठीक है बाकी अभी क्या कहते हैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से दिखाऊंगा। और जैसे जैसे क्या कहते हैं धूप कम होती जाएगी यहाँ का व्यू भी अच्छा होता जाएगा, तो और सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे अभी हम। मिठाई उसी में आ रही है उसी में। तो भाई घर वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाई दिया घर कैसा है, ठीक है काफ़ी सही है भाई, कूलिंग कूल मतलब ठंडा बहुत हो रखा भाई अंदर से, बहुत सही लग रहा है अंदर से। देखो गांव में ना घर ऐसे ही होते हैं, ठीक है आप इसको होटल से कंपेयर मत करना। हालांकि बेड वगैरह लगे हुए गद्दे वगैरह भी है, बट यू कैन नॉट कंपेयर दिस रूम विद द होटल, क्योंकि वो और क्या कहते ये जो गाँव है उत्तराखंड के काफ़ी अंदर है, कोटद्वार के भी बहुत अंदर आके है, तो भाई शहर में और गांव में अंतर होते हैं। और आर्यन मत अपने गांव के बारे में थोड़ा कुछ बताओ, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फेमस है। सुबह सुबह चाय पियेंगे ना बैठ के क्या कहते बाहर तो गाइस कुछ ऐसा व्यू है आर्यन के घर के बिल्कुल सामने। मत सुबह सुबह उठेंगे, सुबह सुबह एकदम ठंड सी रहेगी ना अगर सुबह 4-5 बजे के आसपास। और भाई आवाज़ सुन सकते हो कितनी प्यारी आवाज़ आ रही है। ये चप्पल चाहिए ये पकड़ दीजिए चप्पल। कहाँ पर रखी है तो गाइस फाइनली फ्रेश वगैरह हो चुके हैं और अब चल रहे हैं थोड़ा फोटो शूट वगैरह करवाने के लिए। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है वैसे वैसे मौसम भी सही हो रहा है और पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हो आप मेरे उधर ले। और यहाँ करण बेताब हो रहा है अपनी एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो बैकग्राउंड देखो यार आप, हालांकि अभी टाइम क्या हो रहा है टाइम 5 बज गए हैं, 5 बज गए फिर भी अभी भी धूप निकली हुई है। चलो तो आपको वो दिखाता हूँ सनसेट होने वाला ना, अभी धूप अभी भी निकली हुई है, हालांकि धूप निकली हुई है बट गर्मी लग नहीं रही है। और यहाँ पे कुत्ता है आर्यन में गिर रहा है यार कुछ कुछ, तो कुछ इस तरीके से एंट्री लेनी पड़ेगी आपको। अरे यार फोन पकड़ो देखो ये एक स्कूल है जो पहले स्कूल था मतलब अब बंद हो गया है, ठीक है यार स्कूल भी यार करण स्कूल भी कितने बढ़िया जगह पे बना नहीं हुआ। बंदों का अगर मूड खराब होता होगा तो मूड फ्रेश हो जाता होगा। आपको मुझे देना पड़ेगा ये आप वीडियो बनाओ मनी। दीपक भाई कोशिश करते हुए ऐ शाबाश। और भाई यहाँ एक से एक क्या कहते हैं ककड़ी वगैरह का पेड़ वगैरह है, अभी यहाँ दिखाऊंगा आपको। अबे इसके ऊपर चढ़ेंगे टूटेगा तो नहीं है। अबे भाई एक गलती कर दी हमने। अबे जल्दी आओ ये वीडियो बाद में बनाना। ओ बहन सुगो ये कहाँ से आया।
और ये देखो भाई आपको लेकर आया हूँ और बढ़िया जगह पे, ये देखो निकलना। सो गाइस अभी हूँ मैं क्या कहते हैं बिल्कुल जो क्या कहते हैं रोड वाली साइड होती है वहाँ पे हूँ, काफ़ी ट्रैक करके बिल्कुल ऊपर सबसे ऊपर, ठीक है। एक जो इससे पहले जो आपने सीन देखा वो आर्यन के घर के पास का था, और ये बिल्कुल जो रोड की साइड है, और मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये सामने अभी खाइए यार मेरे को तो बहुत डर लग रही है सामने। अभी हम लोग वहाँ पे थे, ठीक है, अभी वहाँ से ट्रैक करके यहाँ तक आया। ट्रैक ही क्या भाई, तुमने ट्रैक ही करवाया भाई, इसको ट्रैक कहते हैं और क्या, तुमने ट्रैक ही करवाया। इधर दिखाओ, इधर इधर, कल जब जाओगे तब क्या करोगे, रोगे क्या कल फिर? तो ये ट्रैक ही था भाई, इस बंदे की हालत खराब हो गई है देखो भाई। कल तुम जाओ चलोगे कैसे भाई, ये ट्रैक था कि नहीं था करण, तुम बताओ ट्रैक था कि नहीं था? इतना अच्छा वाला भाई ये बंदा आया था इसके साथ कि किसी खाली जगह पे शांति से आराम से माउंटेन्स के बीच में आराम से मस्त बैठेगा, शांति शांति है यहाँ पे, लिटरली हमको शांति है यहाँ पे, लेकिन साला हम अपने साथ एक अशांति बंदे को लेकर आया है। ऐसे चलोगे रोड पे? कल नया दिन है, देखता हूँ कल। ऑलमोस्ट भाई शाम हो चुकी है पूरी तरीके से, करण बेचारा बहुत थका हुआ है, और शांति देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा शांति है, किसी भी चीज़ की आवाज़ नहीं, पूरे क्या कहते रोड पे हमारे सिवा कोई और नहीं है। और एक ये रहा, इसका नेटवर्क नहीं आ रहा, बहुत देर से बंदा ट्राई कर रहा है कि अपनी क्या कहते मतलब जो भी है मतलब इसकी दोस्त वगैरह, ठीक है, उसको वीडियो कॉल करके यहाँ का व्यू दिखा सके, सब जगह घूम के आ गया क्या कहते, लेकिन इसको नेटवर्क नहीं मिल रहा कहीं का भी। और करण बेचारा बहुत ज़्यादा थका हुआ है, मनी मन क्या कहता है आर्यन को गाली बक रहा है मनी मन, और नीचे ये बंदा मेरे को कह रहा था गलत अब की बार आया हूँ, अगली बार क्या कहते इसके साथ आऊँगा, इसकी बुआ के घर से सीधा तारकेश्वर निकल जाऊँगा और वहाँ से सीधा लेंस रोड, इधर नहीं आऊँगा इसके घर की तरफ। अब चलो अब चलते हैं घर, ठीक है, शाम का समय हो गया है, और लिटरली भाई देखो इस बंदे को डर नहीं लग रहा क्योंकि ये यहाँ का रहने वाला है, बट मुझे डर लग रहा है। मुझे किस बात का डर लग रहा है मैं बता रहा हूँ मुझे डर लग रहा है इस चीज़ का कि भाई देखो क्योंकि अरे हाँ भाई मैं बताता हूँ, क्योंकि यार ये यहाँ का रहने वाला है, ये यहाँ का रहने वाला है, और इसको भाई इसको रास्ते पता है कि कहाँ से भागना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, और भाई पूरा जंगल वाला एरिया है, ठीक है, दूर दूर तक सन्नाटा है, कोई भी एक आधा बंदा नहीं दिख रहा हमारे सिवा, और किधर से क्या आ रहा है बेसिकली आपको पता है यार उत्तराखंड वगैरह में क्या कहते हैं बाघ वगैरह तेंदुआ वगैरह ये तो बहुत है, ठीक है, तो हालांकि ऐसा होता नहीं है बट मुझे डर लगता है यार थोड़ा बहुत, ठीक है, मतलब मैं पहली बार इधर आया हूँ तो थोड़ा सेफ्टी को लेकर यार थोड़ा रहता है, बाकी और किसी चीज़ का डर वगैरह नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको तभी से बोल रहा हूँ कि भाई शाम हो गई अब चलते हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा है, 9 बजे चलेंगे, हालांकि अभी टाइम कितना हो रहा है करण, अभी 6:30 हो रहा है, और 6:30 में आप देख सकते हो कि कैसा है, और थोड़ी थोड़ी यार क्या कहते हैं अब ठंड सी भी लगने लग गई है, अब थोड़ा क्या कहते हैं टेम्परेचर जो है वो क्या कहते हैं घट गया है यहाँ पे। तो भाई चलो अब हम आर्यन के घर पे चिकन वगैरह लेकर आए थे, तो जा रहे हैं चिकन वगैरह बनाएंगे और खा पी के जल्दी सो जाएंगे क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठ के तारकेश्वर टेम्पल चलना है, और पूरा क्या कहते हैं चारों ओर क्या कहते हैं जैसा कि देख सकते हो फोग आने स्टार्ट हो चुके हैं, सनसेट अभी कुछ देर पहले ही हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको ऐसा दिख रहा होगा, और भाई शांति बहुत है, मतलब इस जगह पे शांति बहुत है, बहुत शांति है, देखो ना तो मैं कोई माइक यूज़ कर रहा हूँ ना कुछ यूज़ कर रहा हूँ, उसके बावजूद क्या कहते हैं जो वॉइस क्लैरिटी होगी वो काफ़ी सही होगी, देख लेना यहाँ पे इतनी शांति, क्या कहते हैं आई थिंक क्या कहते हैं मनाली वगैरह में भी इतनी शांति नहीं होती ना, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत शोर शराबा होता ही है। तो चलो भाई चलते हैं अब नीचे और इस बंदरगाह को भी ले चलते हैं। तो गाइस फाइनली घर पे आ चुके हैं और चेंज वगैरह करके डे वन यहीं पे ख़त्म होता है आज, हालांकि हमने आज ज़्यादा कुछ देखा नहीं, आज हम बेसिकली ये कहते हैं
आर्यन की बुआ के घर गए थे और जो आर्यन का पर्सनल गांव है वहां पर आए थे, ठीक है। क्योंकि डे वन जो था वो थोड़ा हेक्टिक था, थोड़ा ट्रैकिंग भरा था, क्योंकि यार गांव वगैरह में इतना कुछ है नहीं देखने के लिए। ये था कि क्या कहते हैं, पहाड़ों पे सबसे टॉप पे थे हम, जो माउंटेन्स वगैरह हम देखते हैं ना नीचे से, जो सबसे ऊपर लगता है कि यार कितना अच्छा लगेगा ऊपर चल के, तो हाँ सबसे टॉप पे थे हम। और पीस था यहाँ पे, शांति बहुत ज़्यादा थी, करंट थक चुका है बहुत ज़्यादा, और आर्यन भी थक चुका है, और मेरे पैरों में भी चोट वगैरह लग गई थोड़ी बहुत, क्या कहते थे, तब वो हम नहा धो रहे थे तो पत्थर वगैरह लग गए। बाकी मज़ा आया, ठीक है। डे वन थोड़ा सा हेक्टिक था लेकिन हमने इन्जॉय किया, वो सबसे अच्छा था। वो बुआ का क्या कहते हैं, बुआ ने जो क्या कहते हैं आलू के पराठे कटहल का अचार वगैरह खिलाया, वो काफ़ी टेस्टी था। और सेकंड थिंग जो क्या कहते हैं, वहाँ पे हम नहाने के लिए गए थे तो वो काफ़ी सही था, ठीक है। और अभी जो आर्यन के गांव आए थे तो उसने थोड़ी ट्रैकिंग वगैरह करा दी, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि थक गए थे हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा। और हाँ ये था कि क्या कहते हैं, जो हमने ब्यूटी वगैरह देखी, जो माउंटेन्स वगैरह देखे, माउंटेन्स का जो व्यू देखा, जो सनसेट देखा, वो चीज़ काफ़ी सही थी। तो डे वन यहीं पे ख़त्म होता है, अब कल डे टू स्टार्ट करेंगे। सुबह सुबह उठना है, एज जैसा कि आर्यन ने बताया कि सुबह 6 बजे हम लोग उठेंगे, पानी गर्म करना पड़ेगा क्योंकि पानी बहुत चिल्ड है भाई, नहीं नहा सकते इतने, मतलब इतने ठंडे पानी से, और वो भी सुबह सुबह जब टेम्परेचर क्या कहते हैं 10 के आसपास हो। तो पहले उठ के जल्दी से पानी वगैरह गर्म करेंगे, और उसके बाद चलो मैं सुबह उठूँगा तो मैं देखूँगा अगर यहाँ पे फॉग वगैरह हुआ तो उसकी वीडियो शूट करके मैं डालूँगा। और सुबह बस वही गर्म पानी वगैरह करके जल्दी नहा दोगे, कल नहा दोगे निकलना है तारकेश्वर टेम्पल की तरह, ठीक है, तारकेश्वर टेम्पल मंदिर चलना है। तो चलो कल फिर क्या कहते हैं, आज के लिए गुड नाइट इतना ही, और मिलते हैं फिर कल की वीडियो में।